अचानक से रात के 3 बजे मिल्टन के गार्डन में एक एलियन का शिप क्रैश होता है। मिल्टन घबराते हुए पुलिस को कॉल करके बताता है कि उसके बगीचे में एलियन शिप क्रैश हुआ है, पर पुलिस को लग रहा था कि कोई पागल हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो मिल्टन की बात पर भरोसा नहीं करते। अगले दिन मिल्टन अपने कुछ दोस्तों को एलियन शिप के बारे में बताता है, पर उनमें से कोई भी मिल्टन की बात पर भरोसा नहीं करता। कुछ लोग मिल्टन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तुम बुढ़ापे की वजह से पागल हो रहे हो, इसलिए तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। रात में मिल्टन को सोते समय एलियन शिप के गेट खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। जब मिल्टन ने बाहर देखा तो उसे दरवाजे के बाहर एक बेसहारा एलियन जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। मिल्टन अपनी बेटी को फोन करके एलियन के बारे में बताता है, पर वो भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। मिल्टन ने सोने से पहले दोबारा बाहर देखा तो उसे एलियन की आंखों में एक दर्द दिखाई दिया, मानो कि जैसे वो मिल्टन से हेल्प मांग रहा हो। इसलिए मिल्टन अंदर जाकर उसके लिए पानी और रजाई लेकर आता है। मिल्टन एलियन से डरते हुए उसे रजाई उड़ा देता है और उसको पीने के लिए पानी भी रख देता है। अगली सुबह जब मिल्टन की आँख खुलती है तो उसे वो एलियन घर के बाहर बैठा दिखाई देता है।